कोल इंडिया कैसा दिखता है सर? कोयले को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कोयला की क्राइसिस और वो सारी चीजें, और उसके चलते मोमेंटम इसमें दिखा है शेयर में, आगे क्या व्यू है सर? पता नहीं, बहुत अच्छा शेयर है, सब कुछ बढ़िया है, और इतनी खबर आने के बाद भी 200 रुपए, यही सबसे बुरी बात है। बट एक अच्छा ब्रेकआउट दे रखा है टेक्निकली, अगर अपन बात करें तो एक अच्छा ब्रेकआउट है स्टॉक में। अगर आपका लंबा नजरिया है तो 185 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं शेयर के अंदर। मुझे लगता है आने वाले टाइम में 220 240 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं शेयर। ठीक है ये सर, ये डबल टॉप जैसा कुछ दिख रहा है, अक्टूबर में इन इलेवेंस के आसपास था। हाँ बिल्कुल सर, इसमें दिक्कत यही है सर, जितने भी ये स्टॉक्स है ना, इनमें इन्वेस्ट करना इतना आसान है नहीं, क्योंकि इतनी पॉजिटिव न्यूज आ रही है पिछले 6 महीने से कोल इंडिया में, लेकिन स्टिल ये परफॉर्म नहीं करके दे रहा है। आप सोचिए किन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तब ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, मल्टी ईयर सर, ब्रेकआउट दो अगर एक्सपेक्ट कर अगर रहा था अपन एक लंबा ब्रेकआउट के हिसाब से देखें तो एक इसके पास में 210 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो यानी 210 के ऊपर या 212 के ऊपर काम करेगा तो ये बढ़िया एक मौका हो सकता है टेक्निकली। है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हो सकता है एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट मिले और ये एक आपको 300 तक के दायरे देखने को मिले इस स्टॉक में। बस एक समस्या सिर्फ ये है कि सरकारी कंपनी है और सरकार कई बार अपने हिसाब से चीजों को शायद कुछ करती है, उसके अंदर में से मुनाफा निकालने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नियम आ जाते हैं, कुछ कानून आते हैं, कुछ चीजें होती है जिसके चलते वापस से तकलीफ आ जाती है।